गांव या ऐसा खुली सुंदर प्रकृति आनंद लेने के लिए आपको बार बार हिमाचल आना चाहिए। हरियाली, सेब के बगीचों, ऊंचे पेड़ों और मीठी झरनों की आवाज से घिरी टांगलिंग गांव की खूबसूरत प्रकृति के देखो, जिसे मन भर जाएगा। अब देखिए कैसा ही पेड़ है, इतना विशाल पेड़। आपको शायद ऊपर तक नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा पेड़। वो एप्रिकॉट, और आप देखिए ये पूरी की पूरी वाइनयार्ड है। इधर जब आप टांगलिंग से जाओगे ना ऊपर, आपको मिलेगा यही। यहाँ का फ्रेश अंगूर देखिए, हम लोग लेंगे वो काला वाला, ये आंटी अंकल के पास। ये बहुत स्वादिष्ट है ना, खट्टा मीठा है, मीठा है। मिक्स कर दूं, मीठा वाला कौन सा है? कौन सा मीठा? हरा 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 ही दीजिए। मीठा हां जी, टेस्टी करो ना, टेस्टी करो, टेस्टी करो, करो करो टेस्टी करो। अंगूर खाएगा? अंगूर अंगूर खाओगे? एक बार नाम बोल दो बेटी, मेरा तुम्हारा नाम बोल दो बेटी। हाँ सृष्टि खटका, ठीक से हो गया, बिल्कुल जय भोले की। मशीन तो अच्छा है आपका, ऐसे नहीं लगता, ऐसे करता है, अच्छा है, अच्छा मशीन है। हाँ नाम क्या है? ओ और तुम्हारा भाई है जी। ओ इधर कहाँ रहना बोलो, किधर रहे तो? इधर ऊपर टाउनिंग गांव पर जी। अच्छा ठीक है, बाय कर अंकल को। बाय, ठीक है। आओ, हाँ ये देखो, ये एकदम नेचुरल ग्रेप्स है। कई ग्रेप्स स्वीट और कई थोड़ा सावर है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। रास्ते में मिला एक अंकल और आंटी ने दिया था हमको, वो 60 रुपीज़ पर केजी। हम लोग आधा किलो ले लिया और अब थोड़ा बैठकर इसको टेस्ट करेंगे। बढ़िया टेस्ट है। स्वर्ग जाने के लिए आपको कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, और किन्नूर में फेमस इंडो टिबेटन रोड है ये, जिसके एक तरफ खाड़ी चट्टान है और बाएं ओर गहरी खाइयां हैं। कितने लोग इस कठिन रास्ते पर सफर का अरमान रखते हैं। लंबा रास्ता तय करना
और कई बाधाओं से बचने के बाद ही आप यहां आ सकते हैं। अरे क्या खूबसूरत है इधर भी। ओह ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल। अगर आप प्रकृति के गोद में शांति से समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। आपके जीवन के कुछ पल आपके पूरे जीवन के लिए रंगीन रहेंगे।